हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज समीर विवान और अपने डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी के अंतर्गत आज मैं आया हूँ घाघरा बैराज। खूबसूरती आप देख सकते हैं कितनी ही अच्छी है घाघरा बैराज की। ये इधर लोकेशन आप लोग देख सकते हैं पूरा। जो कि ये मैं जहाँ पे आया हूँ तो एक्चुअली लखीमपुर से मैं निघासन को आया था और निघासन से लगभग 25 से 30 किलोमीटर यहाँ पे पड़ता है। तो आप लोग आइए एक बार और ज़रूर घूमिए और टहलिए क्योंकि बहुत ही अच्छी लोकेशन है। ये शूटिंग लोकेशन है, बिल्कुल फैमिली के साथ आइए और पूरा आप लोग इन्जॉय कीजिए। ज़्यादातर लोग यहाँ पर शाम को आते हैं। तो अब मैं आप लोगों को आगे का व्यू दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि घाघरा बैराज का जो पुल है ये इधर कितना ही ज़्यादा बहाव है जल का, बहुत ही ज़्यादा बहाव है जल का। और निघासन क्षेत्र में, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र में शारदा नहर आप लोग जानते हैं कितनी बड़ी है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बाढ़ वगैरह आती है। जो कि हमारे साथ कैमरा मैन है तो वो भी आपको कुछ जानकारी बता सकते हैं। भैया बताइए, आप ही बताइए कुछ। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ आस पास कुछ लोग खड़े हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये लोग खड़े हुए हैं सामने, तो इनसे मैं कुछ यहाँ के बारे में जानकारी पूछूंगा। अभी राजभीत के बारे में बताइए, आप क्या जानते हैं? डेली आप बैठते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ होती होगी यहाँ पे? यहाँ पर तो रोज़ भीड़ होती है और एक से एक नदियाँ देखने की मिलती है और डेली काफ़ी संख्या में भीड़ होती है। सुबह लोग ज़्यादा आते हैं कि शाम को आते हैं? शाम को आते हैं जी, देख दाख के अपना फोटो वोटो खींच के चले जाते हैं। कुछ मतलब यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि कुछ दिक्कत होती हो? दिक्कत उक्कत कुछ नहीं है, बस ऐसे आते घूम के अपना मौज करके चले जाते हैं। फैमिली के साथ लोग आते होंगे, लड़कियों के साथ भी आते होंगे? सब आते हैं, पूरा फैमिली के साथ आते हैं। अच्छा, तो खाने पीने का इंतजाम है यहाँ पे? कोई फैमिली आए खाने पीने का, वहाँ जाते हैं अपना होटल में खाते हैं। होटल में खाते हैं। और आप यहाँ पे कब से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं आप? कैलाशपुरी। कैलाशपुरी, तो ये तो यही नज़दीक के हैं, तो आप इसे बचपन से देख रहे होंगे। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि बहुत ही अच्छी है शूटिंग लोकेशन है, तो क्या कहना चाहेंगे कि कुछ यहाँ शूटिंग वगैरह फिल्में हुई कभी? अभी हुई तो नहीं है, मना कर देते हैं। मना कर देते हैं, कोई अगर शूटिंग करना चाहे तो परमिशन लेनी पड़ती है। तो आपके मन में क्या विचार है कि भविष्य में कोई फिल्म यहाँ पर शूट की जाए? बताइए बताइए, क्या अपना मत दीजिए, भविष्य में कोई फिल्म यहाँ पर शूट की जाए? हाँ, शूट की जाए। अच्छा, तो बहुत मतलब लेना पड़ेगा।